नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रही हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पेकुवेला के बाद अगलोर, फिर भंजाल में सोलर पावर। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन हाइड्रो के बाद अब सोलर पावर पर फोकस कर रहा है। ऊना जिले के पेकुवेला में 8 महीने के रिकॉर्ड समय में पावर कॉरपोरेशन ने सोलर पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया, जिसके बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊना जिले के ही अगलोर में सोलर पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। इस प्रोजेक्ट को 2 महीने में तैयार करने का टारगेट रखा, जिसकी निर्माण लागत 60 करोड़ रूपए आंकी गई। इस प्रोजेक्ट के बाद अब पावर कॉरपोरेशन ऊना जिले के ही भंजाल में 5 मेगावाट क्षमता का प्रोजेक्ट बनाएगा, जिसका निर्माण लागत 30 करोड़ रूपए आंकी गई। जल्दी ही सीएम सुक्खू इसकी आधारशिला रखेंगे। अब तक पावर कॉरपोरेशन ने पेकुवेला में 32 मेगावाट सोलर पावर का उत्पादन शुरू किया, जिससे पहले बैराजोल, जो कि बिलासपुर जिले में है, में भी 5 मेगावाट का प्रोजेक्ट काफी समय से चल रहा है। ऊना हरिद्वार MEMU ट्रेन 3 जुलाई तक रद्द, जानिए वजह। रेलवे स्टेशन ऊना से हरिद्वार को आवागमन करने वाली MEMU ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खबर है। आगामी 3 जुलाई तक इस ट्रेन में अंबाला से आगे रुड़की, सहारनपुर सहित हरिद्वार तक का सफर करने की सुविधा नहीं मिलेगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड अंबाला की ओर से सूचना जारी कर दी गई। ट्रेन को आंशिक रूप से अंबाला और हरिद्वार के बीच रद्द किया गया। हालांकि ट्रेन योजना की तरह ऊना से अंबाला तक आवागमन करेगी, लेकिन अंबाला पहुंचकर ट्रेन के पहिए थम जाएंगे। नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर 24 घंटे एम्बुलेंस स्क्रीन। PWD ने टोल प्लाजा पर बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वाहन चालकों और यात्रियों को अनावश्यक असुविधा ना हो। विभाग ने निर्माणाधीन टोल प्लाजा में कॉन्ट्रैक्टर को आपातकालीन स्थिति में क्रेन राजमार्ग पर निगरानी और एम्बुलेंस की सुविधा सुनिश्चित करने को कहा। ये व्यवस्था संबंधित कंपनी को 24 घंटे के लिए करनी होगी, ताकि विपरीत परिस्थिति में समय रहते मदद मिले। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। डिपुओ में कब मिलेगा 2 माह का कोटा, जानिए। हिमाचल प्रदेश में अगले महीने जुलाई में उपभोक्ताओं को डिपुओ में चीनी का 2 महीने का कोटा मिलेगा। प्रदेश में खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। विभाग की ओर से चीनी की सप्लाई के लिए नए टेंडर किए गए थे, जिसके चलते उपभोक्ताओं को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब विभाग ने उपभोक्ताओं की परेशानी का निवारण कर दिया है। विभाग की ओर से नए टेंडर होने के बाद अब उपभोक्ताओं को 2 माह की चीनी का कोटा दिया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान में कुल 19,60,467 राशन कार्ड धारक हैं। वहीं विभाग की ओर से इस बार डिपुओ में कुछ बदलाव किए गए हैं। 1 जुलाई को लागू होंगे ये 3 नए कानून, गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में 1 जुलाई से न्याय केंद्रित 3 नए कानून लागू होने से पहले सभी राज्यों के साथ हिमाचल को भी उचित दिशा निर्देश दिए हैं। इसके तहत 3 नए कानून को लेकर सभी स्तर पर अधिकारियों को गहनता के साथ प्रशिक्षण देने को कहा गया, ताकि देश के हर व्यक्ति को न्याय मिल सके। 1 जुलाई से देश में न्याय केंद्रित 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। नए आपराधिक कानूनों के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPR&D ने पुलिस और जेल कर्मियों के प्रशिक्षण के मॉड्यूल तैयार किए हैं। हिमाचल में बन गया हैरान करने वाला रिकॉर्ड। मैक्लोडगंज, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, जहां पर हर साल काफी संख्या में पर्यटक आते हैं और साथ ही काफी संख्या में यहां पर तिब्बती समुदाय के लोग भी रहते हैं। मैक्लोडगंज का नाम एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार ये चर्चा यहाँ के खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से नहीं, बल्कि चर्चा की वजह है मैक्लोडगंज का पोस्ट ऑफिस। हिमाचल का एक ऐसा पोस्ट ऑफिस जिसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और ये बन गया है कमाऊ पूत। मैक्लोडगंज डाकघर ने 2023-24 में देश के किसी भी डाकघर के लिए सबसे अधिक कमाई दर्ज करके एक मील का पत्थर हासिल किया। मैक्लोडगंज डाकघर के पोस्टमास्टर नितिन दीक्षित ने कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन और कनाडा को 7,330 पार्सल और स्पीड पोस्ट भेजकर 1.81 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की, जो पिछले वर्षों में किए गए संग्रह से अधिक। सिपाही भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता जमा 2, सहायक अधीक्षक के लिए कुछ भी नहीं।
हिमाचल प्रदेश सरकार की कारागार और सुधारात्मक सेवाएं विभाग की भर्ती और पदोन्नति नियमों के तहत सिपाही भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जमा 2 तय की गई, जबकि सहायक अधीक्षक जेल पद पर पदोन्नति के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई। कारागार विभाग में मुख्य वार्डर की पदोन्नति सहायक अधीक्षक जेल के पद पर होती है। सहायक अधीक्षक जेल पद पर 2 प्रकार से पदोन्नति दी जा रही है। पहले कार्यकारी स्टाफ और दूसरे लिपिक वर्गीय स्टाफ से पदोन्नत कर सहायक अधीक्षक जेल बनाया जा रहा है। कमलेश पर सवाल उठाने वालों को अनुराग में क्यों नहीं दिखता परिवारवाद। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि देहरा से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर पर सवाल उठाने वालों को 5 बार के सांसद अनुराग ठाकुर में परिवारवाद क्यों नहीं दिखता। कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि देहरा में हार देखकर बौखलाहट में भाजपा नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। कहा कि जहां तक मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी के चुनाव लड़ने का सवाल है तो मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से इस पक्ष में नहीं थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने अपने सर्वेक्षण के बाद उनकी धर्मपत्नी को ही सबसे सक्षम उम्मीदवार मानकर टिकट दिया है। ये कंपनी देगी 200 युवाओं को रोजगार। आईटीआई मंडी में कैंपस इंटरव्यू 9 जुलाई को। मंडी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ग्रेड ए में 9 जुलाई को सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कैंपस इंटरव्यू का आयोजन होगा, जिसमें भाग लेने के लिए 10वीं में 40% अंक और आईटीआई में 50% अंक होना अनिवार्य है। ये साक्षात्कार केवल युवकों के लिए होंगे। इसके लिए आयु सीमा 18 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सीएम सुक्खू ने राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट, बोले कुछ कम्युनिकेशन गैप था उसे दूर किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर राज्यपाल की नाराजगी को दूर किया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम सुक्खू ने कहा कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी, करीब 4 महीने के बाद मुलाकात हुई। चुनाव की व्यस्तता के चलते राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो पाई थी। सुक्खू ने कहा कि राज्यपाल ने कुछ मुद्दों पर नाराजगी जताई। योगा डे पर सरकारी कार्यक्रम को लेकर उनकी नाराजगी सही थी। शिमला में पर्यटन को लगे पांक, अभी तक इतने सैलानी कर चुके घाटी के दीदार, कारोबारियों के चेहरे पर लौटी चमक। राजधानी शिमला में इस वर्ष भारी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से पर्यटन को पंख लग गए। पर्यटन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 6 महीने में 11 लाख से ज्यादा सैलानी शिमला पहुंचे, इनमें से 12,000 से ज्यादा सैलानी विदेशों से भी शिमला घूमने आए। भारी बारिश के लिए तैयार रही हिमाचल, सीएम सुक्खू ने जनता को किया अलर्ट, बोले नदी और नालों से रहें दूर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल वासियों को खराब मौसम में सतर्क रहने की चेतावनी दी। सीएम सुक्खू ने कहा कि बादल फटने की घटना सामने आ रही है। हिमाचल की जनता से मेरा अनुरोध है कि बारिश के मौसम में नदी नालों के किनारे न जाएं। सीएम ने आगे कहा कि हमारी आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक हो चुकी है, सबको सतर्क रहने के लिए भी बोल दिया गया है। कोर्ट से बेटे को जबरदस्ती उठा ले गई पुलिस, 5 लाख का लेन देन साबित करे पुलिस। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके बेटे को जबरदस्ती न्यायालय से उठा कर ले गई, जबकि बेटा अपने वकील के साथ आत्मसमर्पण करने आया था। पुलिस ने इस घटना की रिकॉर्डिंग कर रहे एक युवक का मोबाइल भी तोड़ दिया। इस सारी घटना के प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं। जब स्कूल से घर पहुंचे बच्चों ने मां को पाया मृत। शहर के कलीन क्षेत्र में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना का खुलासा तब हुआ जब महिला के बच्चे स्कूल से घर पहुंचे और उन्होंने अपनी मां को खून से लथपथ देखा। जैसे ही उन्होंने ये देखा कि बच्चे चिल्लाए, शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।